Ladies and gentlemen, gives me immense pleasure to bring on stage the one and the only, make some noise for Zakir Khan! मेरे मेरे पापा ने बचपन से बने गए तो जेन्युइन बात तो क्या हुआ कि जैसे मैं पैदा हुआ ना तो मैटरनिटी होम में जितनी भी डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस थी वो सब एकदम घुस गई कमरे में तो पापा गए जल तो उनको समझ में आया कि कुछ तो बहुत सेक्सी हो गया और ये तो मार्केट खाएगा पापा मेरे शातिर हूँ तो उन्होंने सोचा कि कैसे रोकूं लड़कियों को इसे सिड्यूस ना कर पाए तो हमने क्या करा कि उनने ना मेरा बॉयज स्कूल में एडमिशन करा दिया मैं ऐसा हूं मेरा बाप है वो कि मिलेंगे नहीं तो सिड्यूस पर भाई मैंने देखा है वहां लड़कियां ठान लेती करती वो पीछे नहीं हटी उनको लगे 10-12 साल 13 साल लगे फिगर आउट करने में लेकिन उन्होंने किया बाबू आप लोगों को यकीन नहीं होगा देयर वाज स्पेसिफिक टीवी चैनल्स टू सेड्यूस मी ये कहते हैं लड़कियां टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं अजी क्या बात कर रहे और मां कसम मैंने लगाया था मैं तो अपना कार्टून नेटवर्क से निकलोडियन पे जा रहा था बीच में अचानक से कहां से बताएंगे एफटीवी आ गया आप लोगों को नहीं पता होगा वो मेरे लिए था इसलिए बता देता हूँ उसमें क्या होता था कि पला की आथा भयंकर खूबसूरत तैयार हो के और मतलब ऐसा वैसा तैयार भी मतलब इसे तितली बन बन के आ रही है कभी परी बन के आ रही है कभी ऐसे चमकीली लिपस्टिक लगा रही है कभी बाल ऐसे कुछ तो यूं करके बांध के मतलब कुछ कुछ भी तैयार हो के आ रही है और मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है मतलब फुल कॉन्फिडेंस है पर मैंने देखा सुंदर लड़की का एटीट्यूड बहुत रहता है तो ये कभी भी टीवी से निकल के नहीं आती थी ये मतलब एक पॉइंट पे अगर रुक जाती थी कि तो क्या कह रहे हो फिर लेकिन अपना हुसन खूबसूरत इतना अपना कि वो रह नहीं पाती थी तो फिर वो एक और लगे एक लास्ट चांस और दे रही है बना दो फिर क्या सोचते हो फिर क्या करना है नहीं करना है भाई अपन ने कभी अपन पिघले नहीं करते सख्ती से रहे फिर वो डिसअपॉइंट होकर चली जाती थी लेकिन मैंने देखा लड़कियों कम्युनिटी काफी पॉजिटिव है इनकी कभी भी एक लड़की के डिसअपॉइंटमेंट ने दूसरी को रोका नहीं माँ की कसम है अभी भी लगातार आ रही है रोज सुबह शाम आ रही है अरे इतनी बंदी फेसबुक पे जो होती ना जिसका बॉयफ्रेंड होता है पता नहीं कैसे जैसे करके तुमने ऐड कर ली होती है उसको कैसे जैसे कुछ जुगाड़ करके और इसका और तुम्हारा इंटरेक्शन में इतना होता है कि ये तुमको उसको इतना पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो बस इसके अलावा उसे कोई खबर नहीं तुम्हारी मतलब मैक्सिमम पता हो सकता है ये उसको पर इसका है बॉयफ्रेंड और बहुत जोरदार बॉयफ्रेंड जब से फेसबुक है तब से बॉयफ्रेंड और सारी फोटो बॉयफ्रेंड के साथ है मतलब पूरी 2009 से लेकर अभी तक की 17 की 17 प्रोफाइल पिक्चर सब लौंडे के साथ है और आप ना पर डिसएग्री करते हो इस अफेयर से तो आप ना छांट छांट के इसकी सिंगल फोटो लाइक करते हो सो दैट शी नोज That I disagree with this relationship of yours, जिसका उसकी लाइफ में घंटा फर्क पड़ता है आपकी सुपर ऑसम ओपिनियन से
ठीक है, पर यार वहां भी कुछ बात जम से जम नहीं पाती है, ठीक है जो भी है। सामने मिल जाती ना, सी थ्रू करके निकल जाए तुमको, दिख जा तुम बात नहीं कर पाओ इससे। पर जब आप देखते हो गॉट एंगेज्ड, तो सर पता नहीं क्यों ऐसे सर नुकसान किसी फीलिंग आती है। और वो भी नहीं आती जैसे कुछ कुछ टूट सा गया है भीतर। मैं इस शौक से रिकवर कर ही रहा था, तभी चांस है गॉट मैरिड मैन कर रहे ठीक है भाई। फिर उसके एकदम 3,00,000 करोड़ हनीमून के पिक्चर्स, मैं कह रहा हनीमून खत्म हो गया है, मैं कहा वो तो बैक डेट में चल रहा था ये सब। तपन ने क्या है 3:30 बजे रात को जिंदगी में है क्या अपनी, चलो जरा फोटो देखें इसकी है क्या। तब मैंने फोटो क्लिक करी, तो पहली फोटो भाई वही अपर मिडिल क्लास एनिमल टिपिकल सिंगापुर टाइप। हाँ तो वहाँ गई है, तो इनने बीच पे खड़ी हुई अकेली चश्मा लगा के और झालर वाला टॉप पहना, इनने 3 लहर वाला टॉप, लेयर लेयर फ्लेयर जो भी वैसा ला, वाइट कलर के शॉर्ट्स पहने, मैं ऐसे खड़ी हुई चूड़े थे तो यूँ खड़ी हुई है ना, आगे बढ़ा दी ठीक है। फिर उसके बाद कोई चूती आदमी के साथ खड़ी गई, ना बनाया क्या पगली। फिर आगे बढ़ाए, फिर वो बच्चे शेर वेर है पिंजरे में, शेर वेर है उनके साथ ऐसे पाउट करके फोटो, हाई हील करना कि पाउट करके फोटो, मैंने कहा ये दहाड़ भी है ना भगा दिया। फिर उन्होंने आगे बढ़ाए, फिर उस आदमी के साथ फोटो यार, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे को पता है बॉयफ्रेंड छतल तो मैं पिछले 4 साल देख ही रहा हूँ। उसने तो प्रोफाइल पिक्चर डाल रखी दोनों की, कपल पिक्चर, मी माह बीवी। माह क्या बाइक लिखता, लैंग्वेज तो कंसिस्टेंट रहती अगले। मेरे अंदर का एसी भी पत्ती में जाग गया, मैं कहता है पता करो अबे वो लौंडे नाम याद ना यार, धन्या 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 धन्या, वो तो कहाँ है कहाँ है, मैंने कहा प्रोफाइल पिक्चर में तो था, सब में तो टैग था वो। मैं कहा चलो भाई अपन है वापस बैक, लड़की की प्रोफाइल क्लिक, प्रोफाइल पिक्चर क्लिक, पहली फोटो वो वाली उसकी, वही जो अभी बीच वाली, वो येल्लो चश्मा चूड़े व्हाइट, सही है चले तो देख लिया आगे बढ़ो। दूसरी फोटो उसकी वो दुल्हन वाली, वो क्या वो प्री वेडिंग शूट फोटोशूट ऐसे वाला, मैं कहा सही है चलते हैं। अरे बहुत ही ऐसे कैंडिडेट फोटो से सेल्फी खींची हुई, बिस्तर पे बाल कंधा से दिख रहा है, मैंने कहा लीविंग इट टू द इमेजिनेशन, मांगा कोई नहीं कंट्रोल, अभी अभी मिशन पे है, थरकना नहीं है, मिशन फोकस। फिर एक कार सेल्फी ऐसी रैंडम डाली हुई, और अपन अभी पहुंचे अप्रैल 2015 में, मैंने कहा अरे ओ तो सारे सबूत मिटा दिए गए, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो अपन मैंने कहा कोई नहीं, 4 महीने बाद अचानक से
रात को 2:28 पे इसका स्टेटस अपडेट आता है, रात को सन्नाटा है, अपनी भी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो नौकरी धंधा तो है, स्टेटस अपडेट आता है, when going gets tough, tough gets, भाई ये आम लोगों के लिए लिखा था उसका, लेकिन यहाँ पे तो सुपरमैन है। आम लोगों ने लिखा तो उसने लिखी नहीं था, सुपरमैन है, क्योंकि सुपरमैन अलग पड़ता है, सुपरमैन साइकोलॉजी में जाता है कि रात को 2:28 पे इसको क्या जरूरत है, ऐसा स्टेटस लिखने की, इज शी इन अ बैड ब्लेस्ट, बैड मैन से ज्यादा इज देयर अ विंडो, कहना भी था कंधा लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए टेस्ट है, एंड गोइंग टेक्स्ट है, and going at stuff that I'm good going superman ke liye hai mera pati kati chutne hai please mujhe isse bachao abhi ke abhi superman love you heart jab tak main ko samajh raha tab tak bhai piche dupatta ban chuka tha t-shirt aa chuki thi music chalu ho chuka tha भाई एक्शन में जरूरत है, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। मैंने भाई स्टेटस किया लाइक, कमेंट लिखा आर यू ऑल राइट, थ्री सिक्सटी डिग्री घेरना है, शायद है ना बंदी, अप्रोच ज्यादा करना पड़ेगा अभी। मैं प्रोफाइल पे क्लिक किया, मैं चैट पे क्लिक किया, मैं खुली चैट, मैंने लिखा हे, सब तरह से घेर रहे भाई एकदम, सब सही जा रहा, जैसे ही चैट विंडो खुला ना यार भाई, तो मेरी जिंदगी सारे वीक मोमेंट ने मेरी आंखों के सामने आ गए कि कब मैं दारू पी के ठहला था, कब ब्रेकअप हुआ तो मैं कितना डेस्परेट हो गया था, कब मैंने पिछली बार जब नौकरी छोड़ी थी तो मैं फुर्सत में मैं क्या क्या चूतिया हरकतें कर लूँ, सब मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने जैसे इसको हाई लिखा तो विंडो खुल गई और उसमें आ रहा था कि मैंने इसको 2011 में भी हाई लिखी हुई थी जिसका इसने रिप्लाई नहीं किया, 15 में लिख गया और एक 16 एक और हाई लटक रहा जिसका भी रिप्लाई नहीं आने वाला।